दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले हंगामा हो गया। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। आपके पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं और उनको शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। सदन में भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही रोक दी गई। पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। बता दें कि शालीमार बाग से 3 बार की पार्षद रेखा गुप्ता मेयर चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार हैं। आपने डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल और जलल कुमार को रामनगर पार्षद कमल बागरी के खिलाफ खड़ा किया है। आपने 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के लंबे शासन को समाप्त कर दिया। आम आदमी पार्टी जिसने 134 सीटों के साथ दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव जीता है। सबसे पहले नव निर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 11 बजे से बैलेट पेपर के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए मुकेश गोयल के नाम की जगह बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।